हम लोगों की जर्नी स्टार्ट हो चुकी थी सोमनाथ गुजरात के लिए, जिसके लिए ली थी हम लोगों ने लखनऊ से अहमदाबाद तक की फ़्लाइट, और अहमदाबाद से आगे की जर्नी जो है हम लोग करने वाले थे बस से। और ये है हमारे कैप्टन साहब, जिनके साथ आज हम लोग पूरे 1.5 घंटे की यात्रा करके जाएंगे लखनऊ से अहमदाबाद। बादलों के इस खूबसूरत नज़ारे को एंजॉय करने के बाद अब हम लोग तैयार थे लैंडिंग के लिए। हम लोगों की फ़्लाइट लैंड हो चुकी थी और हम लोग अपने प्लेन को टाटा बाय बाय बोलकर आगे की जर्नी के लिए निकल जाते हैं। यहाँ से हम लोग टैक्सी लेते हैं सीधे बस स्टैंड के लिए। बस स्टैंड पहुँचने के बाद हम लोग सोमनाथ की टिकट लेते हैं और लगभग 1.5 से 2 घंटे का इंतज़ार करना पड़ता है, क्योंकि हमारी बस अभी नहीं आई हुई होती है। 2 घंटे के इंतज़ार के बाद आखिरकार हमारी बस आ जाती है और हम उसमें बैठकर निकल पड़ते हैं सोमनाथ के लिए। रास्ते में बस एक जगह स्टॉप लेती है, जहां पर हम लोग थोड़ा बहुत चाय वाय पीते हैं और इस सनसेट को इंजॉय करते हैं। सोमनाथ पहुंचने के बाद हम लोग एक रूम लेते हैं, जिसकी कॉस्ट पड़ती है 3 लोगों का 1400 रुपये। बोलते हैं किस विंडो से सी व्यू आता है, कैसा आता है, आप लोगों को दिखाता हूं। कुछ ऐसा है। अगली सुबह हम लोग निकल जाते हैं 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रथम ज्योतिर्लिंग बाबा सोमनाथ के दर्शन के लिए। जैसा कि अंदर फ़ोन कैमरा अलाउड नहीं होते हैं, इसलिए जितना हो सकता है मैं बाहर से ही रिकॉर्ड कर लेता हूँ। दर्शन करने के बाद हम लोग खाना खाने के लिए आते हैं सोमनाथ ट्रस्ट की तरफ से चलाए जा रहे श्री लीलावती डाइनिंग हॉल में, जिसकी एक प्लेट की कीमत होती है 70 रुपये, जिसमें एक आदमी पूरा पेट भर के खाना खा सकता है। और ऐसा नहीं है कि अगर 70 रुपये का है तो खाना अच्छा नहीं होगा, खाना यहाँ का बहुत ही अच्छा है, आप ये कराएँ तो यहीं पर ट्राई करें। मंदिर के पीछे बने इस बीच को एंजॉय करने के बाद हम लोग अब निकलेंगे यहाँ से द्वारका के लिए, जिसको आप लोग देखेंगे मेरी अगली वीडियो में।